शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के नगरिया कॉलोनी में महेश कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में बेटा ही पिता का हत्यारा निकला। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बेटे ने 1 करोड़ रुपए के लिए पिता की हत्या करवा दी थी। उसने ऑनलाइन सर्च कर शूटर को बिहार से बुलवाया। आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर पहले एक मेडिकल संचालक की किडनैपिंग के लिए शूटर को बुलवाया था, लेकिन जब वह प्लान फेल हो गया तो पिता पर गोली चलवा दी। पैसों के लिए आए दिन पिता से उसका झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी बेटे, उसके साथी और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की दोस्त ने गूगल पर आरोपियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक सर्च किए थे, इसी के जरिए उन्होंने शूटर की तलाश की। अकेला लड़का है और इससे बड़ा विचित्र बात है कि तीनों आरोपी जो है अकेले लड़के हैं। जो दूसरा भी यहाँ पिछोर का है अंकित, वो भी अंकित और नितिन, ये दोनों भी हैं। और जो हमारा तीसरा जो आरोपी है बाहर से आया, तो वो भी अकेलौता लड़का है और उसके पिताजी माताजी की आपस में नहीं बनती है। जो भरण पोषण का केस चल रहा है, तो वो अम्बाला में काम करता था और मूलतः शिवान बिहार का रहने वाला है। और उसे रोज अपना व्हाट्सएप पे ऐसा डाल रखा था, यूट्यूब कर रखा था कि आपको किसी भी तरीके का अपराध में आवश्यकता है तो मैं करने के लिए मेरा ग्रुप तैयार है। उसमें फिर उसकी बात पूरा पता करने के बाद उससे पूछताछ की गई बारीकी से, तो उससे पूरा कबूल किया लड़के ने कि बेसिकली उसके पिताजी के पास में इसके बड़े भाई जिसने सुसाइड कर लिया था कुछ दिनों पहले, तो 1.5-2 साल पहले, उसके पैसे काफ़ी हैं और बैंक अकाउंट में भी पैसा है। सब कुछ उनके नाम से ज़मीन वगैरह भी ली थी, तो उसका कहना था कि ये मेरे को अपने हिसाब से काम नहीं करने देते हैं। और ये लड़के को जिसको बुलाया था इन्होंने, ये कई 8-10 दिन से उसके पास में था।